जय माता की दोस्तों। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ शैलपुत्री का नवरात्र है भाई, तो माँ शैलपुत्री आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए। ये नवरात्रि आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए, आपके संकट मुसीबत सब हर ले। बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो आपकी जिंदगी में, हर पीड़ा हर संकट का अंत हो। तो बोलो जय माता की। जय माता की दोस्तों। तो आज मैं नवरात्रि का लोग लेके आई हूँ भाई। सबसे पहले हम घट स्थापना कर रहे हैं। मैं पूजा पाठ का इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम करते आए हैं भाई, उसी तरह से हम घट स्थापना कर रहे हैं। पूरा विधि विधान हम नहीं जानते, लेकिन जितना सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं भाई। हमने फास्ट नहीं रखा है, तबीयत खराब होने की वजह से मेरी दवाइयाँ चल रही है, तो मैं फास्ट नहीं रख पाई। आज बच्चों को छुट्टी है और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया भाई पूजा पाठ में, और लेना भी चाहिए। इस कामों में बच्चों को इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि हमारे संस्कार संस्कृति और बढ़ त्योहारों से बच्चों को जोड़े रखना चाहिए, वो भी इन बातों को जान सके और इनका महत्व भी इनको पता होना चाहिए। तो बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं भाई, और लेना भी चाहिए। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है भाई, तो आज शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। तो माँ शैलपुत्री आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए। मिट्टी में ने बाजरी बोई है, इस टाइम पे बाजरी ही बोते हैं, और शारदीय नवरात्रों में जो बोए जाते हैं। अब खेतों में बाजरी बोने का टाइम है, तो नवरात्रों में बाजरी बोते हैं। बाजरी बोकर उसके ऊपर हमने घट स्थापना कर दिया भाई, घट पानी का भरकर उसके ऊपर हमने केले के पत्ते रखे हैं। कुछ लोग पीपल के, सौंफ के या बड़ के पत्ते भी रखते हैं, लेकिन हमारे पास पीपल के पत्ते नहीं थे, केले के पत्ते थे, तो हमने केले के पत्ते रख दिए। और ऊपर हमने लोटा पानी का भरकर रख दिया है, उसके ऊपर नारियल को मौली बांध कर स्थापित कर दिया है। हर जगह पर पूजा पाठ का विधान अलग अलग होता है भाई, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। और हमारे पास जितना सामान था, जितनी वस्तुएं थी, हम उतने से ही पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे सामानों के साथ भी पूजा की जाती है, लेकिन हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो अब हम कर लेंगे भाई नवदुर्गा की स्थापना। तो चावलों के साथ हम नव मंडली बना लेंगे और नवदुर्गा की स्थापना करेंगे। माता रानी के साथ साथ गणपति जी की पूजा भी की जाती है। तो माता रानी जी को और गणपति जी को हमने तिलक कर दिया है और भोग भी लगा दिया है, और लौंग इलायची सुपारी ये सब भी नैवेद्य चढ़ा दिए है हमने। माता रानी जी को गुड़ का भोग लगाया, भाई गुड़ का भोग श्रेष्ठ माना जाता है, तो हम गुड़ का भोग लगा रहे हैं। बाकी का प्रसाद हम नहीं लेके आए भाई, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहे हैं, और घर पर बनाने का टाइम नहीं था, तो हमने गुड़ का भोग ही लगा दिया। अगर नवरात्रों में आपके पास टाइम है, तो आप दुर्गा सप्तशती जरूर करिए भाई। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप पूरी किताब एक दिन में कर सकते हो, और 9 दिनों में बार बार कीजिए। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो एक अध्याय जरूर कीजिए। पहले मैं भाई डेली पूरी किताब किया करती थी, लेकिन इस टाइम पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप बहुत परेशान हो, आपका मन शांत नहीं हो रहा है, तो आप सप्तशती कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। सच में मैंने ये सब किया है भाई पहले, और मैं करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं सप्तशती करती हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो मैं सप्तशती का अध्याय करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी कीजिए। माता रानी को फूल अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य सहित माता रानी की पूजा कर लेते हैं, और आरती कर लेते हैं, और समा याचना और दुर्गा चालीसा भी कर लेते हैं। पहले नवरात्रे के साथ साथ आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है भाई। हिंदू नववर्ष भी पहले नवरात्रे को शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से हमारा न्यू ईयर होता है, आज से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। और आज 13 अप्रैल भी है, 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी के दिन भाई गेहूँ की कटाई शुरू होती है, लेकिन अब तो लगभग कटाइयाँ हो जाती है भाई। किसी टाइम 13 अप्रैल से गेहूँ की कटाई शुरू होती थी। आप निगोट फास्ट रख रहे हो, तो समय समय पर दूध फल लें, और व्रत का खाना बनाकर भी एक टाइम आप खा सकते हो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, इस टाइम पे कोरोना काल चल रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो भाई साथ साथ में सेहत भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से पूजा पाठ करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। हम तो भाई सिंपल सी पूजा करते हैं, मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ विधि विधान जरूरी नहीं है, माता रानी के प्रति आस्था होनी चाहिए, यही सबसे ज़रूरी है। मेरी ये सिंपल सी पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी जी और पतिदेव जी घर पर नहीं थे, तो वो पूजा में नहीं बैठ पाए। हर बार मम्मी जी घट स्थापना करते हैं, तो आज वो घर पर नहीं थे, तो कोई घट स्थापना नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने कर ली भाई। हम सब लोग घट स्थापना कर रहे हैं, और बच्चों को हम जरूर बिठाते हैं भाई। बच्चों को भी सीखना चाहिए पूजा पाठ कैसे किया जाता है, और अपनी संस्कृति से जोड़े रखना चाहिए, तो इसलिए हम बच्चों को साथ में रखते हैं। हमारा सबसे छोटा बच्चा 1.5 साल का है भाई, उसे पूजा पाठ का नहीं पता है, तो वो शैतानी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है,
उसे चीज़ों को इधर उधर बिखेरना है, बस उसे इसी चीज़ की मस्ती चढ़ी हुई थी। धूप दीपन ने जला दिया, माता रानी की आरती कर लेते हैं और क्षमा याचना और दुर्गा चालीसा भी कर लेते हैं। जयकारा शेरों वाली का जय माता रानी, आप लोग भी आइए हमारे साथ पूजा कर लीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए, आप लोगों पर माता रानी की मेहरबानी बनी रहे, आप लोगों के सारे दुख संकट मिट जाए भाई, माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। माता रानी की आरती हो रही थी तो बच्चों ने बहुत शौक किया भाई, बच्चे ताली बजाकर माता रानी की आरती कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। मैं तो माता रानी से यही दुआ करूंगी कि माता रानी आपके सारे दुख हर ले, सारी पीड़ा हर ले, और माता रानी आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो दोस्तों सबसे पहले रौली का तिलक कर देती हूँ, सबको तिलक कर देती हूँ और फिर इनको मौली भी बांध देती हूँ और फिर करेंगे भाई क्षमा याचना और दुर्गा चालीसा। सर्व मंगले मांगले शिवे शादी के सरने अम्बे के गौरी नारायणी नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। 9 दिन माता रानी का अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, माता रानी के साथ रहिए भाई, कुछ पल माता रानी के शरणों में बिताइए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, माता रानी को भी खिलाइए, खुद खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। तो आइए दोस्तों अब कर लेते हैं माता रानी से क्षमा याचना। तुम जैसा चाहो वैसा करो, अज्ञान वश या बुद्धि भ्रंत होने के कारण मैंने भूल से जो कुछ भी किया है, कम या ज्यादा कर दिया है, देवी परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो, प्रसन्न हो हे जगत माता, हे कामेश्वरी अपराध क्षमा करो, प्रसन्न हो हे जगत माता कामेश्वरी, जितना स्वरूप प्रेमी परमेश्वरी आप प्रेम करो, मैं की आप पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो, आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाले, तो आप के किए इस जाप को ग्रहण करके भी सभी अपराधों वाली आप मेरे किए इस जाप को ग्रहण करके सभी अपराधों को क्षमा करो, हे देवी हे महेश्वरी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोलो जय माता रानी की जय हो। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बहुत फिक्र की भाई, बहुत पूछा, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपका तय दिल से धन्यवाद इतनी फिक्र करने के लिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी और डेली वीडियो लेके आऊँगी। पिछले किसी दिनों से मेरे वीडियो डेली नहीं आ रहे थे, ना ही मैं रेसिपी शूट कर पा रही थी, तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी भाई। मैंने बहुत दिनों बाद आज बाल कंघी किए हैं, अपने थोपड़े का थोड़ा सुधार किया है, तो मैं भाई कुछ नहीं कर पा रही थी। दोस्तों अगर ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।